हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑन आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या आज है एक अगस्त तो आज के इस वीडियो में हम एक अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है ऑप्शन हैं बीजापुर रीभोई बहराइच या इनमें से सभी तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि बीजापुर सरकारी थिंक टैंक यानी नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है वहीं रीभोई जो कि मेघालय का एक जिला है यह दूसरे स्थान पर है व बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है वह तीसरे स्थान पर है यह रैंकिंग एक सौ बारह आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य व पोषण तथा शिक्षा समेत छह विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा कृषि व जल संसाधन वित्तीय समावेशन कौशल विकास व बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को शामिल किया गया है बात करें नीति आयोग की तो इसके वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं इसका आंसर बताना है ऑप्शन है, है वरुण श्रीधर पाठ प्रतिम सेन गुप्ता प्रवीण जाधव या नवीन ताहिलानी तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि वरुण श्रीधर हाल ही में वरुण श्रीधर को बनाया गया है पेटीएम मनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वह किसकी जगह लेंगे तो वह पूर्व एम व सी प्रवीण जाधव की जगह लेंगे प्रवीण जाधव ने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था तो अब ये याद रखिएगा कि पेटीएम मनी के नए सी बनाए गए हैं वरुण श्रीधर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इन्हें अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का एम डी व सी बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का नवीन ताहिलानी को टाटा ए आई ए आई ए लाइफ लिमिटेड ने अपना एम डी व सी बनाया है तो इन्हें किसने बनाया है टाटा ए आई ए लाइफ लिमिटेड ने तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन प्रमुख ने अपने नए सलाहकार समूह में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया ऑप्शन है अर्चना सोरेंग सीमा वर्मा दिया मिर्जा या के के सैलजा तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि अर्चना सोरेंग ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ छोटे द्वीप राज्यों के युवाओं की विविध आवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्चना सोरेन् इस कदम के साथ दुनिया भर के छह अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं जिन्हें युवा सलाहकार समूह में जगह प्राप्त हुई है तो ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में यूएन प्रमुख ने अपने नए युवा सलाहकार समूह में भारत से अर्चना सोरेन को शामिल किया है अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो के के सैलजा जो कि केरल की राज्य मंत्री हैं इन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया था कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान किए गए इनके प्रयासों के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था दिया मिर्जा की बात करें तो इन्हें गुडविल सॉरी यूएन टीपी का सद्भावना राजदूत बनाया गया है तो दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का सद्भावना राजदूत बनाया गया है तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेपचा का निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित है ऑप्शन से नृत्य अभिनय संगीत या लेखन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगीत हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेपचा का निधन हुआ वह लोक संगीतकार हैं तो उनका संबंध संगीत से है और वह लोक संगीतकार थे उनका जन्म हुआ था 1928 में कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की या, यात्रा की है और भारतीय लोक व पारंपरिक लेपचा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह उन्नीस में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम भी दे चुके हैं उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तो ये याद रखिएगा कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेपचा का निधन हुआ वह लोक संगीतकार थे और उन्होंने लेपचा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था अगला क्वेश्चन है तो ये है सोनम सेरिंग लेपचा जिनका हाल ही में निधन हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम आश्रय है इसे विकसित किया है तो आश्रय नामक बेड आइसोलेशन सिस्टम ये किसने विकसित किया है ऑप्शन हैं डी आई ए टी डी एस टी डी आर डी ओ या आई आई एम कोजी कोड तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि डी आई ए टी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इसे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम है आश्रय इसका मॉडल बनाने वाले निर्माता के अनुसार 10 बेड की यूनिट स्थापित करने की जो लागत है उसका खर्च लगभग एक लाख रुपए है और घर में क्वारंटीन के लिए एक बेड की लागत पंद्रह हजार रुपये होगी इसके जो कुलपति हैं उनका नाम है सी पी रामनारायण व इसका हेडक्वार्टर स्थित है पुणे महाराष्ट्र में तो डी की फुल फॉर्म भी याद रखेगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आईआईएम आई एम की बात करें तो अभी हाल ही में इसने एक बैंड विकसित किया था जिसका नाम था वेली बैंड और ये बैंड सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में काफी मददगार साबित हुआ होगा तो ये याद रखिएगा कि वेली बैंड ये किसने विकसित किया है आईआईएम आई एम ने डीआरडीओ की बात करें तो अभी हाल ही में डॉक्टर अबुल जैनलादिन अब्दुल कलाम की पांचवी पुण्यतिथि के अवसर पर इसने एक नवाचार प्रतियोगिता शुरू की जिसका नाम था डेयर टू ड्रीम टू डेयर टू ड्रीम टू पॉइंट जीरो भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई ने किसे अपना नया एम डी बस सीईओ नियुक्त किया है ऑप्शन है एन शिवरामन नरेश टक्कर शिवरामपाल या सुमित देव तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि एन शिवरामन हाल ही में घरेलू रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसने तीन साल के कार्य अवधि के लिए एन शिवरामन को अपना नया एम डी व सी ई ओ नियुक्त किया है तो इनका नाम आप याद रखेंगे अब इन्होंने जगह किसकी ली है तो इन्होंने पूर्व एम डी व सी ईओ नरेश टक्कर की जगह ली है किसकी जगह ली है नरेश टक्कर की यह पद एक वर्ष यानी अगस्त 2019 में नरेश टक्कर के कार्यकाल के समाप्त किए जाने के बाद से खाली पड़ा था बात करें आई सी आर ए की तो इसका हेडक्वाटर स्थित है गुड़गांव हरियाणा में व इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष व निदेशक अरुण दुग्गल जी हैं अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल इन्हें अभी एस जनरल इंश्योरेंस बैंक का नया एम व सीईओ सी बनाया गया है वहीं सुमित देव को एन का नया एम व सीईओ सी बनाया गया है एन का तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे बनाया गया है ऑप्शन हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ हार्दिक सतीश चंद्र साह विमल जुलका या संजय कोठारी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह तो ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह और ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं इन्हें को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक प्रधानमंत्री कार्यालय में वर्तमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाने से पहले वे पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया था विमल जुलका विमल जुल्का को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है वहीं संजय कोठारी देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं तो इन सब के नाम भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिरपनवें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में रैपिड सेक्शन में पी हरिकृष्णा ने कौन सा स्थान हासिल किया पहला दूसरा तीसरा या चौथा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा तो ये हैं पी हरिकृष्णा इन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित तिरपनवें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे इसके साथ ही साथ जी आकाश का नाम भी आप याद रखेंगे जी आकाश ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये बन गए हैं भारत के छा शतरंज ग्रैंड मास्टर तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि तिरपनवे व्हील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पी हरिकृष्णा को प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में के नेट किसने लॉन्च किया है ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय एम एच आर डी या नन ऑफ द अबोव तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है क्या लॉन्च किया है नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज प्रणाली की पारंपरिक स्थितियों को सीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल दिया है तो ये के जो होंगे इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेट पोर्टल के साथ में एकीकृत किया जाएगा तो ये के नेट किसने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं विराट कोहली प्रियंका चोपड़ा रोहित शर्मा या ननॉदा अबाव तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि विराट कोहली विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर सात करोड़ फॉलोवर्स हैं और ये पहले भारतीय ऐसे बन गए हैं जो कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले हैं वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी व नेमार के बाद इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो किए जाने वाले चौथे प्लेयर भी बन गए हैं उन्होंने इस लिस्ट में बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को पीछे छोड़ा है तो इस सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले जो प्रथम प्लेयर हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये इनके जो है ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू करोड़ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर सेकेंड नंबर पे आते हैं बर्सिलोना के लियोनेल मेसी जिनके सिक्सटीन पॉइंट वन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर थर्ड नंबर आता है ब्राज़ीलियन फुटबॉलर नेमार का जिनके फोर्टीन करोड़ फॉलोअर्स हैं वहीं भारतीयों की बात करें तो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है विराट कोहली को जिनके टोटल सात करोड़ फॉलोवर हैं वहीं प्रियंका चोपड़ा दूसरे स्थान पर हैं और इनके टोटल 5.5 करोड़ फॉलोवर हैं और श्रद्धा कपूर ये हैं तीसरे स्थान पर और इनके टोटल पाँच करोड़ फॉलोवर हैं फाइव करोड़ फॉलोवर हैं श्रद्धा कपूर के तो ये तीन टॉप भारतीय हैं टॉप टेन प्लेयर में विराट कोहली भारत से एकमात्र प्लेयर हैं तो इनका नाम आप याद रखेंगे ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल या बिहार तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा चलते हैं करके क्वेश्चन पर क्वेश्चन था कि हाल ही में किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन थे हिचेम मचीची मिखाइल मिसिस्टीन कुबुड बोरोनो या माइकल मार्टिन तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुबुट बेग बोरोनो अभी हाल ही में किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री कुबुट बेग बोरोनो को नियुक्त किया गया है बात करें हिचेम मचीची की तो इन्हें अभी ट्यूनिशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे एलिस वक्वक के इस्तीफे के बाद हिचेम मचीची को ट्यूनिशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है वहीं माइकल मार्टिन ये हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री और मिखाइल मिसिस्टीन रूस के नए प्रधानमंत्री हैं तो इन चारों के नाम आप याद रखेंगे हिचेम मचेची ट्यूनीशिया के हैं मिखाइल मिसिस्टीन रूस के हैं कुबुट बेग ये किर्गिस्तान के हैं व माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप हमारे उत्कृष्ट अकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं ऐप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें ऐप को इंस्टॉल करें रजिस्टर करें और हमसे जुड़ जाएँ कल मिलेंगे कुछ नए पॉइंट पॉ, के साथ तब तक के लिए हैव नाइस डे बाय